हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स सो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे सो योर नेहा मैम योर किंडरगार्टन टीचर वेलकम्स यू ऑल सो स्टूडेंट्स नेहा मैम के बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं आपको कुछ टीचर्स दिख रही हैं यस नेहा मैम भी हैं और मैग्नेट ब्रेन्स की और भी टीचर्स हैं सो so, स्टूडेंट्स ये आपकी मैग्नेट ब्रेन्स की, की टीचर्स हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास Five. So students, we all are here to help you out in your studies. अगर आपको आपकी पढ़ाई में कहीं पे भी कुछ problem है students, तो आप teachers के videos देखिए और अपनी problem solve करिए, right students? क्योंकि हम मिलके होंगे कामयाब, right? So this is all about teachers. Now students, let us learn something. So students, पहले आप बताइए एक मैम आपसे एक पहेली पूछती है ठीक है आप ऐसी चीज़ बताइए जो हमें बहुत पसंद होती है सबको पसंद होती है और उसमें से जब हम उसको स्मेल करते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत फ्रेश होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं एनी गेसिस सोचिए सोचिए, ये स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स ओके एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स फूल है ना कैसे होते हैं फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कलरफुल होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं जहां भी अगर फ्लावर्स रख दिए जाएं तो वो प्लेस अपने आप ब्यूटीफुल बन जाती है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी खुशबू आती है आती है ना सो स्टूडेंट फ्लावर्स आर द

Yes, so hello, kiss. She is saying hello. My name is Lisa. So who is she? She is Lisa. एल आई एस ए सो हेलो लीजा सो आई विल शो यू सम्लावर्स टूडे तो आज हमें लीजा अपने गार्डन में लेके जा रही है और वो हमें वहां क्या दिखाएगी उसके फ्लावर्स उसके पास कौन कौन से फ्लावर्स है वो हमें लीजा बताएगी ओके okay, लीजा तो चलिए विल गो टू योर गार्डन एंड विल सी द beautiful फ्लावर्स there एंड द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स ओके सो चलिए स्टूडेंट विल गो with लीजा और लीजा के साथ हम चल के देखते हैं फ्लावर्स। सो so, चलिए सो so, लीजा हमें कहा लेके जाई है अपने गार्डन में ब्यूटिफुल गार्डन नाउ स्टूडेंट सी दिस इज द फर्स्ट फ्लावर लीजा हैज इन हर गार्डन तो लीजा के गार्डन में जो सबसे ज्यादा फ्लावर है वो किसके हैं दिस फ्लावर एंड दिस इज नोन एज पेरी क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको थ्री कलर में आता है पर्पल पिंक एंड व्हाइट ऑल्सो और ये साल भर आता है लाइक like, आप इसे किसी भी सीजन में देख सकते हैं और इसीलिए हम इसको सदाबहार भी बोलते हैं क्या बोलते हैं हम पेरीविंकल को सदा बहार क्योंकि हमेशा खिला हुआ मिलता है हमको स्टूडेंट ओके सो दिस इज नोन एज पेरी विंकल, सदा बहार रिमेम्बर अब जब भी आप ऐसे फ्लावर को देखेंगे आपको एकदम याद रहेगा कि यस दिस इज पेरी विंकल दिस इज सदा बहार ओके सो थैंक यू लीजा अब आप हमें कौन सा फ्लावर दिखाने वाली हो तो अब हमें लीजा बताने वाली है नेक्स्ट फ्लावर सो स्टूडेंट ब्यूटिफुल फ्लावर नोन एज चंपा चंपा बहुत सुंदर फ्लावर होता है स्टूडेंट व्हाइट कलर का फ्लावर होता है और इसके मिडिल में ये येलो येलो शेड होता है सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड येलो और बहुत ब्यूटिफुल फ्लावर होता है स्टूडेंट सो दिस इज नोन एज चंपा तो कहीं भी जब आप ऐसे फ्लावर को देखे आप जल्दी से गेस करना येस दिस इज Champa. Okay student. So this is Champa. C-H-A-M-P-A. Champa. Right? Now just see the next flower. So the next flower of Lisa's garden is tell me tulip. This is which flower student? Tulip. T-U-L-I-P. Tulip. Repeat after me. Tulip. स्टूडेंट ट्यूलिप जो है ये पिंक कलर का है बट डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी होते हैं व्हाइट भी होता है येलो भी होता है ओके स्टूडेंट सो दिस इज ट्यूलिप राइट सो रिमेंबर दिस इज ट्यूलिप टी यू एल आर पी ट्यूलिप रिमेंबर ट्यूलिप ओके नाउ लेट सी दी नेक्स्ट फ्लावर सो द नेक्स्ट फ्लावर इज एनी गैसेज यस दिस इज छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं स्टूडेंट व्हाइट कलर के और मोगरे का क्या लगाती है मम्मा लोग गजरा उसको बालों में अपने हेयर को डेकोरेट करती है मोगरे के गजरे से है ना सो so, दिस मोगरा एम ओ जी आर ए मोगरा बहुत अच्छी खुशबू आती है स्टूडेंट मोगरा के फूलों में से है ना अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस कम फ्रॉम मोगरा सो दिस इज नोन एज मोगरा एमओ जी आर ए मोगरा व्हाइट कलर वेरी स्मॉल स्मॉल फ्लावर सो दिस इज मोगरा ओके ना स्टूडेंट अब देखते हैं लीजा के गार्डन में और कौन से फ्लॉर है सो द नेक्स्ट फ्लावर ऑफ लीजा गार्डन इज यस कौन सा फूल है स्टूडेंट दिस इज विच फ्लॉर टेलमी येस दिस इज लोटस एल ओ टी यू एस लोटस कमल का फूल ओके okay, स्टूडेंट्स और लोटस क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज आर नेशनल फ्लावर जैसे हमारी नेशनल सिंबल्स है ना स्टूडेंट विच इज द नेशनल एनिमल टाइगर नेशनल बर्ड पिकॉक तो वैसे ही लोटस क्या है हमारा नेशनल फ्लावर ओके okay? और लोटस स्टूडेंट कहाँ ग्रो होता है देखिए सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं प्लांट्स पे ट्रीज पे पेड़ों पे है ना पेड़ों पे फूल देखने को मिलते हैं ना आपको लेकिन लोटस कहाँ ग्रो होता है वॉटर में पानी के अंदर पॉन्ड में है ना सो so, लोटस थोड़े डिफरेंट क्यों है क्योंकि ये वॉटर पानी में ग्रो होता है ओके सो इट इज आर डिफरेंट कलर्स पिंक कलर का होता है वाइट कलर का होता है ओके सो दिस इज लोटस एंड लोटस इज आर नेशनल फ्लावर ओके एंड इट ग्रोज ऑन वॉटर पानी के ऊपर ग्रो करता है राइट स्टूडेंट सो दिस इज लोटस नाउ लेट्स लेट्स सी दी नेक्स्ट फ्लावर सो दिस इज विच फ्लावर यस दिस इज रोज गुलाब का फूल आर ओ ई रोज आर ओ ई

स्टूडेंट लेट सी दी नेक्स्ट फ्लॉर की अब हमें लीजा कौन सा फ्लॉर दिखाएगी सो दिस इज चमेली का फूल जे एस एम आई एन ई जैसमिन ओके स्टूडेंट सो जैसमिन का ऑयल तेल भी बनता है एंड वेरी मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है स्मेल वेरी गुड बहुत अच्छी खुशबू आती है चमेली के तेल में से ओके, okay? सो so, हम इसको क्या बोलते हैं जैसमिन चमेली जे एस एम आई एन ई व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट स्मॉल फ्लावर व्हाइट कलर फ्लावर। सो दिस इज जैसमिन जैसमिन रिमेंबर चमेली का फूल नाउ सी दी नेक्स्ट फ्लावर यस, सो दिस रेड कलर फ्लावर इज नोन एज हिबिस्कस इसे हम हिबिस्कस बोलते हैं शू फ्लावर भी बोलते हैं स्टूडेंट ओके okay? और हम इसे बहुत कॉमन हमारे घर में देखने को मिलता है और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं गुलहड़, ओके okay? गुड़हल का फूल राइट right? गुड़हल का फूल इट इज रेड इन कलर कहीं कहीं पे व्हाइट और पिंक भी होता है बट कॉमनली इट इज रेड इन कलर सो दिस इज शू फ्लावर हिबिस्कस रिमेंबर हिबिस्कस शू फ्लावर ओके स्टूडेंट सो दिस इज हिबिस्कस राइट स्टूडेंट नाउ सी दिस इज वेरी कॉमन फ्लावर हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होता है वेडिंग्स होती हैं शादियां होती हैं तो किसकी लंबी लंबी माला बनाते हैं हम मैरी गोल्ड के फ्लावर की सो दिस इज मैरी गोल्ड गेंदे का फूल Merry Gold. Remember this is Gendeka Fool. Merry Gold. Right? So this is Merry Gold. Now student, this is Merry Gold. Now remember this is also a very beautiful flower known as Lily. L-I-L-Y. Lily. Lily also comes of different different colors. पर्पल होता है स्टूडेंट व्हाइट होता है पिंक होता है ओके okay? इसे हम बुकेस में भी लगाते हैं सो दिस इज नोन एज लिली लिली एल आई एल वाई लिली ओके स्टूडेंट नाउ, नाउ, लीसा और भी फ्लावर हैं क्या आपके गार्डन में यस yes, बोल रही है एक और फ्लावर है तो चलिए देखते हैं कौन सा फ्लावर है लीजा के गार्डन में सनफ्लावर सो स्टूडेंट सन फ्लावर वॉट इज द मीनिंग ऑफ सन सूरज और फ्लावर मीन फूल तो हम इसे बोलेंगे सूरज मुखी अच्छा हम इसे क्यों बोलते हैं स्टूडेंट बिकॉज जहां पे भी सन का फेस होता है ना वहीं पे इस फ्लावर का फेस होता है ओके okay? लाइक like, यहां पे सन है तो सनफ्लावर इधर फेस करेगा सन इधर है तो सनफ्लावर इधर फेस करेगा ओके सो सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन और इसलिए इसको क्या बोलते हैं सूरजमुखी का फूल सूरजमुखी सनफ्लावर बिग बिग फ्लावर बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं है ना छोटे भी होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं तो वी कॉल इट एज सन फ्लावर रिमेंबर नाउ स्टूडेंट लेट्स सी लीसा के गार्डन में और भी कुछ फ्लावर बचे हैं क्या सो यस दिस इज ऑल्सो येलो कलर फ्लावर एंड इट इज नोन एज डेफोडिल व्हाट वी कॉल इट एज डेफोडिल सो लीजा ये बताइए कि डेफोडल तो है बट इसका कॉमन नेम क्या है हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे yes, tell me. अच्छा, नरगिस का फूल। स्टूडेंट दिस इज डेफोडल और इसे हम नरगिस भी बोलते हैं राइट स्टूडेंट सो इट इज येलो इन कलर एंड कॉल इट एज डेफोडल आपने देखा होगा जब हम बुकेस मार्केट से लेके आते हैं तो उसमें डेफोडल होता है ओके तो नेक्स्ट टाइम भी आप इस फ्लावर को देखें तो रिमेंबर इट इज नोन एज डेफोडिल राइट स्टूडेंट सो दिस इज लीजा एनी मोर फ्लावर्स आर देयर इन योर गार्डन शी सेइंग नो जितने फ्लावर थे वो हमें बता दिए सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच लीजा स्टूडेंट यू यूसो से थैंक यू टू लीजा सो स्टूडेंट हमने क्या देखा हमें लीजा ने अपने गार्डन घुमाया और हमें बहुत सारे फ्लावर्स दिखाए और हमने उनके नाम सीखे सो वी लर्न अबाउट दी नेम्स ऑफ द फ्लावर्स राइट स्टूडेंट तो यू सी द वीडियो प्रॉपरली एंड लर्न द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स ताकि आप फ्लावर्स को देखते ही उसे रिकॉग्नाइज कर सको और उसका नाम पता हो आपको ओके okay, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ऐसी वीडियो जहां पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले या आपको मैग्नेट बेन की वेबसाइट पर भी मिलेगी और क्या मिलेगा स्टूडेंट किंडर से क्लास ट्वेल्व तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए जहां पे आप कहीं पे भी आपको किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप टीचर्स की वीडियोस देखिए मैग्नेट बेन्स की और अपने डाउट्स क्लियर करिए स्टूडेंट्स आपको किसी पर्टिकुलर टीचर की वीडियो देखनी है तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी राइट स्टूडेंट सो स्टूडेंट ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन पर यहां पर आपको किंड गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है स्टूडेंट सो स्टूडेंट कीप वॉचिंग दीडियोज लाइक द वीडियोज सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर एज मच यू कैन राइट स्टूडेंट तो वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए ओके सो केयर